नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। एक लड़का लड़की को प्रपोज करने के लिए बोट पर चढ़ा, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मैरिज प्रपोजल पूरी तरह से बेकार हो गया। इस वीडियो को ट्विटर पर थियो सेंटानोज ने शेयर किया है, जहां से यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। शख्स जैसे ही प्रपोज करने के लिए पहुंचा तो जिस बोट पर महिला खड़ी थी वो अचानक चल पड़ी, जिसके चलते लड़के के मुंह पर जोर की लात लगी और महिला बोट सहित आगे निकल गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। एक शख्स एक बोट पर चढ़ा, वहीं महिला दूसरी बोट पर मौजूद थी। दृश्य को संभवतः डेक पर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा फिल्माया गया था। दोनों बोट किनारे पर खड़े होते हैं। लड़का एक बोट के किनारे पर खड़ा होता है और दूसरे बोट को अपनी तरफ खींच देता है। फिर वो जेब से झट से अंगूठी निकालता है और शादी के लिए पूछता है। महिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हाँ कह देती है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मामला तब बिगड़ा जब महिला गलती से बोट के कंट्रोल से टकरा जाती है, जिससे बोट तेजी से आगे निकल पड़ती है। अचानक बोट के दौड़ने से महिला बोट पर ही गिर जाती है और उसकी लात लड़के के मुंह पर लगती है। लड़का पानी में गिर जाता है और वो बोट के साथ आगे निकल जाती है। सौभाग्य से दोनों को कुछ नहीं हुआ। इस वीडियो को 27 सितंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.5 लाख व्यूज हो चुके हैं। साथ ही 1000 से ज्यादा लाइक्स और 400 से ज्यादा रीट्वीट्स हो चुके हैं। लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए। आप भी देखिए यह वीडियो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।